कहाँ थी सवेरे से? अरे भैया बताया तो था, वो मास्टर जी ने बुलवाया था। मैंने तुझे मना भी तो किया था, देख आदमी को। अरे भैया वहाँ तो गांव के बड़े बड़े लोग आए थे, सरपंच जी भी थी, उन्होंने ही तो मीटिंग में बुलवाया था। पता है भैया, सरपंच जी ने मुझे वहाँ सबके साथ बैठने के लिए कहा। पर तू बैठी तो नहीं ना? बड़े लोगों के कहने और करने में बहुत अंतर होता है, मैंने बहुत देखा है। पहले आवाज देकर बुलाते हैं और फिर लात मारकर भगाते भी यही। हमारी सरपंच जी ऐसी नहीं है भैया, उन्होंने तो खुद हाथ पकड़कर मुझे बिठाया। अरे पागल हो गई है तू? उन्होंने कहा और तूने कुर्सी पकड़ ली, अपनी जात बिरादरी सब भूल गई तू? चार गज का फासला रखना पड़ता है जब हम बड़े लोगों से बातें करते हैं तो। ये सब बेकार की बातें है भैया, बनाने वाले ने सबको दो हाथ और दो पैरों के साथ ही बनाया है। जिस दिन बड़े लोगों के चार हाथ और चार पैर देखूंगी ना, तब नहीं बैठूंगी उनकी बगल में। पर अभी तो बैठूंगी भी और ये भी देखूंगी कि हमारे टोले का हर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, खास तौर से लड़कियां, और सबके साथ बैठ के काम करे। तेरा दिमाग चल गया है, कौन भेजेगा छोरियों को पढ़ने? हम तो नहीं भेजने के। भैया एक बात बताओ, काम के बिना भी जीवन चलता है? अरे काम के बिना कैसे गति होने लगी, पेट की आग बुझाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। बस भैया, जैसे काम बिना गुजर नहीं, ऐसे पढ़ाई बिना भी गुजर नहीं। बच्चे स्कूल जाएंगे तो अपनी बात कहना सीखेंगे। देख मंगला, मैं तुझे फिर बता रहा हूँ, ये खुरापाती बातें अपनी टोली में मत फैला। अरे धरती और आसमान की भी कभी बराबरी हुई है जो अब होगी? तू शहर से चार अक्षर क्या सीख आई, सदियों से चली आ रही बड़ी छोटे की बात को ही नकारने लगी। तुम समझते तो हो नहीं, पढ़ाई लिखाई जितनी उनके लिए जरूरी है उतनी हमारे लिए भी है, हमारा भी अधिकार है। कौन सा अधिकार? इन बड़ी बड़ी बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं। एक दिन चार जूते न गठूं तो घर में फाके की नौबत आ जाती है, और तू बात कर रही है अधिकारों की। गलती से भी किसी से छू लिए तो नहाना पड़ता है उसे। आंखों में मोती उतरा है तेरी, दिखाई नहीं देता, हमारे हैं। माफ कर दो मालिक, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। गलती हो गई मालिक, गलती हो गई। यही सब हम सदियों से सहते हुए आ रहे हैं, इसी को हटाना है, और उसके लिए पढ़ाई जरूरी है भैया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम में से ही एक थे, लेकिन पढ़ लिख कर उन्होंने ही। मुझे नहीं सुनना तेरा ये भाषण, और जीने दे हमें अपने हाल पर। देख रे वीरेन, जिस छोरी मंगला की तू कथा बांच रहा है, ये मैं करेगी तो राजपुरा में इसकी खाल खिसते देर नहीं लगेगी। तो मैं करने में अब कसर ही क्या रह गई है मंगत भैया? पंचायत में यूं बगल में आकर बैठ गई, और समिति में भी ले लिया है उसे। बस चार दिनों की बात है, फिर भाभी के साथ मंच पर खड़ी होकर भाषण देने लगी। चार दिन बहुत होते हैं वीरेन, यहाँ तो चार घड़ी में हिस्सा होता है, जानता है तू? जानता हूँ मंगत भैया, बिल्कुल जानता हूँ, तभी तो सीधा दौड़ा हुआ आपके पास चला आया। इससे पहले कि चिंगारी आग बन जाए, पानी डाल दो भैया। देख वीरेन, तूने हमें बता दिया तेरा काम खत्म, अब चिंगारी को पानी से बुझाना या जूते से, ये तू हम पे छोड़ दे। तो जा। अबे जाके कह दे मंगत के पास वक्त नहीं है। कहा था भैया जी, पर क्या पर क्या, उसके मुंह और मंगत के तमाचे में रिश्तेदारी निकल आई है क्या? उन्होंने ये दिया है। ये
बताओ। मामा जी पाए लागू, मामा जी पाए लागू। क्या तमाशा है? तमाशा ना मामा, तमाशा वहां होता होगा बड़े घर में, यहाँ तो सत्कार होता है। क्यों बुलाया मुझे? देखो मामा, युद्ध है, सेना वहां भी सजी है और यहाँ भी सजी है, सेनापति उन्हें भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। पहली पहली खेलने के लिए बुलाया मुझे? नहीं मामा, तुम्हें तो ये बताने को बुलाया है कि अब तुम मेरे साथ काम करोगे। क्या? पति की मौत का तेरे दिमाग पे इतना असर हुआ है मुझे मालूम नहीं था। मंगत को बांधना चाहती है तू? कैसी बातें कर रहे हो मामा, आपको भला कौन बांध सकता है? मैं तो बस एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ। वैसे भी बड़े साहब की नजरों में अब तुम अभिमन्यु ही संभाल रहा है ना सारा कामकाज। बाग लगाए तुमने और फल खा रहा है अभिमन्यु। होता है मामा, ऐसा होता है इस दुनिया में, ऐसा होता है। ऐसे मामा, बलबीर मर चुका है। से माया, सारा खेल तूने मेरे साथ बैठकर रचा। बलबीर जब अभिमन्यु से मिलने आएगा तो अभिमन्यु का राम नाम सत्य है, पर तूने अभिमन्यु के साथ मुझे ही लुढ़काने का चक्कर चला दिया। तीर एक और निशाने दो। मामा, मैं भला तुम्हें क्यों निशाना बनाती? मेरा और आपका दुश्मन तो एक ही है, अभिमन्यु। और मेरे साथ बैठकर तूने मुझे ही छलना चाहा। अगर उस दिन अभिमन्यु मुझे नहीं बचाता तो? रहने भी दो पुरानी राम कहानी मामा, क्योंकि वो खुली तो बात ये भी निकलेगी कि अभिमन्यु लल्ला को कैसे पता चल गया कि उस पर वार होने वाला है। कोई भेदिया तो वहां भी था मामा, क्यों? होगा शायद बलबीर। वाह मामा वाह, मरे हुए की समाधि पर शक के फूल चढ़ा रहे हो। तुझे क्या लगता है? मैंने देखो मामा, जो बात गई वो गई। मैं तो सपने में भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। वो तो मधु थी जिसने जहर बिखेरा था। क्या करती बेचारी, अभिमन्यु पर जान देने लगी थी, धंधे और प्यार में भेद नहीं सीख पाई। उसी ने तुम्हारे लिए जाल बुना था, मैंने वो जाल जला दिया। देखो मामा, मधु गई, बलबीर गया, वो ओंकार भी गया। कुछ दुश्मन हैं तुम्हारे और मेरे, मिलकर क्रियाकर्म कर देते हैं, क्यों? तो मिलकर मारेगी तू दुश्मन? पहले ये तो सुन ले माया, कि आज भी मेरा पहला दुश्मन कौन है? बोलो मामा, दोपहर के बाद सांझ नहीं होगी उसकी जिंदगी में। अच्छा, तो सुन उसका नाम माया। दुश्मनी तो बराबर वालों से की जाती है, नौकरों से नहीं। तुम तो सिर्फ एक नौकर हो, बड़े साहब के पैरों की जूती। तुम मेरी दुश्मनी के काबिल भी नहीं हो मामा। बस अगर मेरे दुश्मन खत्म करने में मदद करो तो इनाम बड़े घर से दुगना मिलेगा। और मेरा दुश्मन है अभिमन्यु। अरे शंकर देव, अरे तेरी टुक्की चल गई रे, अरे शंकर।
गरीब तो पहले ही थे हम, पर तूने तो भिखमंगा बना दिया। कहाँ है वो? अब आपके पुत्र तर्पण करेंगे। अब तो जब तक उसकी लाश नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं आएगा। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।